जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे व सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो मेरी या किसी भी टॉपिक पर नहीं है, किसी स्पेशल टॉपिक पर, पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर नहीं है। आज की इस वीडियो, मतलब यह वीडियो मुझे बनाना नहीं पड़ा, मैंने अपने शौक से अपनी पसंद के लिए बनाया है, खान सर के सपोर्ट में। खान सर जो आज के समय में किसी भी पहचान की मोहताज नहीं है, जिनको पूरा देश, सिर्फ भारत ही नहीं, फिलिस्तीन, चाइना, पाकिस्तान जैसे देश भी उनको जानते हैं। यहां तक कि मेरा ऐसा मानना है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी उनको जानते होंगे, बॉलीवुड में भी जिनके फैन हैं, और मैं खुद जिनका फैन हूं। ऐसे महान व्यक्तित्व, मतलब एक प्रकार से कह लीजिए भारत के बच्चों के भाग्य विधाता बनकर उभरे थे हमारे खान सर जी। भारत के ही क्यों कहा जाए यार, पूरे विश्व के जो भी खान सर से जुड़े हैं, जो भी खान सर को देखते हैं, आप उन सभी से पूछ लीजिए, आप ही जानते होंगे कि भारत या पूरे भारत बार बार निकल रहा है, क्योंकि मैं भारतवासी हूँ। भारत का सपोर्ट खान सर जी भी करते थे, मैं भी करता हूँ। इनफैक्ट जो खान सर जी करते थे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए उतनी सुविधा न उपलब्ध होने के कारण मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के बच्चों के भाग्य विधाता बनकर उभरे थे हमारे खान सर जी। खान सर इस समय आप सभी जानते हैं कि एक कंट्रोवर्सी में फंसे हुए हैं। कंट्रोवर्सी कुछ स्पेशल नहीं थी, बस वही थोड़ा सा फिलिस्तीन और कोई एक मतलब करके थोड़ा सा विवाद हुआ, जिसमें बच्चे भी उतर आए दंगे में, पाकिस्तान के बच्चे दंगे में उतर आए। तो खान सर ने कहा, मतलब 12-13 साल के बच्चे थे, खान सर ने क्या कहा कि बच्चों, अब्बा के कहने पर, भाई पाकिस्तान है तो मुसलमान होंगे, अब्बा के कहने पर दंगों में मत आओ, अभी तुम लोगों की पढ़ने की उम्र है, जाओ पढ़ो, नहीं तो बप्पा ने अपने पंचर बनाओगे। ऐसा खान देहाती बोलते हैं, खान सर ने ऐसा सिंपल सा कह दिया। अब इस पे इसको लेकर या खान सर खुद कह रहे हैं कि मतलब खान सर को फिलिस्तीन का सपोर्ट करना चाहिए, उन्होंने किया नहीं, या इसराइल का करना चाहिए, उन्होंने उसका भी नहीं किया, या कुछ लोग कह रहे हैं कि खान सर फिलिस्तीन का सपोर्ट कर दिए, इसराइल का नहीं किए। खान सर मतलब इन्हीं सारी मामलों, मतलब इन्हीं सारी बातों को लेकर, और सबसे बड़ा दंगा इस समय खान सर के नाम को लेकर, क्या नाम है उनका। कुछ लोग कह रहे हैं खान सर का नाम अमित सिंह, कुछ लोग कह रहे हैं खान सर का नाम फैजल खान या फैसल खान, मतलब सभी विवादों में घिरे हैं। कुछ लोग कहते हैं खान सर जी रक्षाबंधन बंधवाए हैं इसलिए वो ठाकुर या हिंदू हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि खान सर जी वो साफा बांधे नहीं, हरा कह रहे हैं कि मतलब खान सर जी मुसलमान है। खान सर जी ने ये खुद एक बात तो क्लियर कर दी है कि वो हिंदू नहीं, मुसलमान है। खान सर ने खुद एक बात बिल्कुल क्लियर की है, क्योंकि उनको जितना ज्ञान मुसलमान वाले में है, मतलब मुस्लिम धर्म में है, उतना ज्ञान उनको हिंदू धर्म का नहीं है। जैसे उन्होंने एक अपनी वीडियो बनाई थी तीन तलाक को लेकर, हलाला को लेकर, मुस्लिम की शादी कैसे होती है, मतलब इन्हीं सारी बातों के बारे में उन्होंने लेकर एक वीडियो बनाया था। तो इतनी जानकारी मेरे हिसाब से हिंदू को हो सकती है, मतलब कोई स्पेशल बात नहीं है, लेकिन जितने बेहतरीन ढंग से खान सर ने बताया, वैसे खान सर जी सारी टॉपिक्स को बेहतरीन ढंग से समझाते हैं। कितना से भी कितना कठिन टॉपिक क्यों ना हो, खान सर जी उसको चुटकियों में ऐसे सॉल्व कर देते हैं मानो कठिन था ही नहीं। तो उनका फैन होना स्वाभाविक है, मतलब उनका फैन फॉलोइंग बढ़ना स्वाभाविक है। यहां तक कि हमारे सोनू निगम बॉलीवुड में थे, उन्होंने भी कहा मैं खान सर का फैन हूं, इनफैक्ट मैंने भी उनको अपना टीचर माना है, सोनू निगम जी ने कहा था ऐसा। तो मतलब इन्हीं सारी बातों को लेकर कहा था मैं, कुछ बता रहा था कि किसी भी टॉपिक को खान सर जी आराम से समझा ले जाते हैं, किसी मतलब विशेष बात नहीं है। तो खान सर मुसलमान है, और एक बात और कि वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उनका नाम अमित सिंह हो, फैजल खान हो, इससे हमसे क्या मतलब। आपने वो मूवी देखी होगी पीके में, वो कहता है आमिर खान स्वामी जी से कि ठप्पा किधर है दिखा, हिंदू और मुसलमान के खून में फर्क होता है, उनके वेशभूषा में सिर्फ फर्क होता है, वेशभूषा डजंट मैटर। आप यहाँ हैं, आप लुंगी पहनना आपको थोड़ा सा अड़बड़ लगेगा, आप अभी साउथ में जाइए, वहां लुंगी पहने तो आराम से सब चल रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्या दिक्कत है भाई। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसा कि सभी जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी होता है। मैं इसी को दूसरे ढंग से बोलूं, क्या बोलूं, देखिए जानते हैं कि a मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, अब यहां इसको हटाओ, पहले करें b मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई टू प्लस b मल्टीप्लाई बाई बी, ऐसे सही दोनों चीज है।
लेकिन अब ये फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताएंगे, ए मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी ए टू प्लस बी बी, मतलब ऐसे करके बताएंगे आप? नहीं बताएंगे आपको, ये सरल लगता है। कारण जानते हैं, क्योंकि आप इसी की संगत में रहे हैं, यही देखते चले आ रहे हैं, यही बताते चले आ रहे हैं, यही सुनते चले आ रहे हैं, यही पढ़ते चले आ रहे हैं, तो आपको ये सुटेबल लगता है, ये नहीं लगता है। क्या गलत है इसमें से? कोई गलत कोई नहीं है, बस मैटर करता है कि आपका वेशभूषा पहनावा क्या है। तो उसी प्रकार से हमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इट डजंट मैटर कौन क्या है क्या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मिलकर रहना है, हम सब एक बात जानते हैं कि हम सब भारतीय हैं, बस वी आर इंडियंस, ओनली वी आर इंडियंस। जब कभी भी भारत और पाकिस्तान या भारत और किसी भी देश से मैच होता है, हम सब एक आशा एक नजरे गड़ा के रखते हैं कि भारत जीत जाता तो अच्छा होता, भारत जीत जाता तो अच्छा होता, हमें कुछ मिल जाता है वहां पे। जब भारत जीत जाता है तो हमें कुछ मिलता है, हमको पर्टिकुलर, आप पर्सनल की बात कीजिएगा। मान लीजिए भारत जीता तो कभी आपको कुछ मिला? नहीं मिला ना। फायदा सब खिलाड़ी लोगों का, फायदा सब वो टीम का, काउंसिल का, बीसीसीआई का, फायदा सब उन लोगों का। हम पूरा समय बिल्कुल, हाँ अच्छी बात है, मैच देखिए, उससे आपके जीके में क्वेश्चन, करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसके लिए देखिए ना, किसके लिए भारत जीतता, अभी अभी सब गड़बड़ हो जाएगा। वहां पे भारत हमें अपना लगता है, यहाँ पे भारत किसका, कोई दूसरे का हो गया, आपका भारत नहीं है। बोलिए, खान सर जी खुद कहते हैं कि मुसलमान दोनों प्रकार के होते हैं, कोई अजमल कसाब भी होता है, कोई एपीजे अब्दुल कलाम भी होता है, जिसको आज मतलब बड़े बड़े फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े कार्यालयों में, बड़े बड़े सरकारी दफ्तरों में जिनकी फोटो लगी है लोग सलाम करते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान व्यक्ति क्या मुसलमान नहीं थे? अजमल कसाब क्या मुसलमान नहीं थे? अजमल कसाब आतंकवादी बने, सब कहते हैं, खुद खुल के कहते हैं। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि क्या है क्या नहीं है, हम सब सिर्फ इतना देखेंगे कि वह इंडियन, सिर्फ वो इंडियन है, हमें सिर्फ इतने से मतलब है कि खान सर हमारे इंडियन है, बस। जब कभी भी आप कोई मूवी देखते हैं तो मूवी एक अट्रैक्शन सा बन जाता है उस मूवी से, और हीरो जो होता है मूवी का, वो लगता है कि अपना है, हीरो मारेगा हम सब खुश होंगे, चलो मार रहा अपना मार रहा है कोई, विलन मारेगा दुख होता है, अरे यार सब गड़बड़ होगा, विलन कहीं किडनैपिंग करेगा दुख होगा, हीरो उठा लेगा, अरे उठा ले, तब आपको खुशी होती है, अट्रैक्शन होता है, जुड़ाव होता है। वही जुड़ाव आप लोगों को खान सर जी के साथ दिखाना चाहिए। खान सर जी का जो सोशल मीडिया पर ही उनका इतना कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो उसी को हमें खत्म करना है। हम मिलकर इस काम को कर सकते हैं। मैं सभी यूट्यूबर्स से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने चैनल पर यही वीडियो अपलोड कीजिए खान सर जी के सपोर्ट में। और खान सर जी के सपोर्ट में हमें करना क्या है कि एक हैशटैग इसको वायरल करवाना है, हैशटैग ISUPPORT आई सपोर्ट खान सर, आई सपोर्ट खान सर, आई सपोर्ट खान सर, बस यही हैशटैग आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम स्टोरी, फेसबुक स्टोरी, व्हाट्सएप ग्रुप, जितने भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप स्टेटस, एक खान सर जी की फोटो लेनी है एंड आई सपोर्ट खान सर, ये लिख के हमें वायरल करवाना है। इसकी फिक्स डेट जो आपकी रखी जा रही है वो 30 तारीख जो कि कल है आपकी, 30 जानते हैं ये, मैं 30 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस दिन से 30 अभी आने वाली है, कल आएगी, लेकिन जिस दिन वीडियो अपलोड होगा उस दिन 30 शायद बीत चुकी होगी या आज ही 30 होगी, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो शेड्यूल रहता है ना। तो इसकी तारीख जो रखी जाएगी वो आप 2 जून रखिए, 2 जून को हमें करना क्या है कि जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जहां कहीं भी हम आई सपोर्ट खान सर लिख के हमें ट्रेंड करवाना है, हमें सोशल मीडिया की इस कंट्रोवर्सी को खत्म करवाना है। खान सर जी मतलब एक महान व्यक्तित्व है, एक महान आदमी है, खान सर जी खुद अपना नाम अपने आप बताएंगे, हमें नाम के झमेले में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ खान सर का सपोर्ट करना है। तो होप करता हूं आप सभी खान सर का सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।